हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने किसी को बीमा की कोई पॉलिसी समझाई और उसने कोई ऑब्जेक्शन लगाकर बीमा पॉलिसी को लेने से मना कर दिया। पॉलिसी को ना लेने का कारण ग्राहक आपसे चाहे जो कुछ भी बताए पर वास्तव में सच्चाई कुछ और ही होती है। आइए समझते हैं कि ग्राहक किन खास ऑब्जेक्शन के कारण बीमा लेने से मना करता है, या यूं कहें कि बैकग्राउंड में ग्राहक के मन में क्या थॉट होती है जिसके कारण ग्राहक आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लगाकर बीमा लेने से मना कर देता है। पहला सबसे बड़ा कारण ये होता है कि बीमा के बारे में उनकी पहले से ही कुछ राय बनी हुई है और वो राय बिल्कुल नेगेटिव होती है। और बीमा को मना करने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि वो अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को आपके प्लान में इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि उसे आप पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि आप बीच में ही एजेंसी छोड़कर कुछ दूसरा काम करने लगेंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके द्वारा बताई गई बीमा पॉलिसी आपके ग्राहक को समझ ही ना आई हो। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि इन सब ऑब्जेक्शन को आप कैसे दूर कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।